नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। विगत दिनों बाराबंकी में भले ही पेड़ लगाने में अवार्ड के लिए नामित हुआ हो, लेकिन वहीं शनिवार को प्रतिबंधित पेड़ों पर वन विभाग के रहमो करम से बखाव कमाओ की नीति के चलते हरियाली पर जमकर आरा चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना असंद्रा क्षेत्र में शनिवार को जमकर प्रतिबंधित पेड़ काटे गए। इस कटार में सबसे बड़ा योगदान वन विभाग का रहा। क्षेत्र के पूरे समधी खेवराजपुर लकड़िया बाबा का पुरवा इमामगंज रतौली में हरियाली के रक्षक ही हरियाली को नष्ट कराने में हर प्रकार से सहयोग करते आ रहे हैं और शनिवार को भी दुधारू हरे पेड़ पौधे कटवा डाले। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि रात के अंधेरे में दिन दहाड़े वन माफियाओं द्वारा प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा चला दिया जाता है। इतना ही नहीं, जनपद की आरा मशीनों पर रात के अंधेरे में चोरी की लकड़ी गिरती है व अंधेरे में ही चिरान हो जाती है। वहीं आरा मशीनों व वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दिन प्रतिदिन आरा मशीनों का बोलबाला हो रहा है, लेकिन क्षेत्र में बैठे अधिकारी कर्मचारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आरा मशीनों पर छापा मारने की अधिकारी भी जहमत नहीं उठा रहे। कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह कोई एक दिन का मामला नहीं है, आए दिन यही होता आ रहा है। रामसनेही घाट वन क्षेत्र में एक वन कर्मचारी के रहमो करम से सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल बन गया है, जिससे वन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कोई जिम्मेदार अगर अधिकारियों को अवगत भी कराता है तो लकड़कट वन माफिया बड़ी आसानी से परमिट का खेल खेल जाते हैं। कटवाते दर्जनों पेड़ हैं, एक या दो पेड़ों का जुर्माना करा लेते हैं। माल काट रहे अधिकारियों को भी कार्यवाही करने में शर्म आने लगती है। वहीं जब जिला वन अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। बाराबंकी से भक्तिमान पांडे की रिपोर्ट।